शराबबंदी को लेकर लगातार जो है आप जेडीयू के नेता के और आपके कई जो पकड़ा रहे हैं। देखिए, शराबबंदी के बारे में हम सदा कहा है कि शराबबंदी कोई खराब नहीं है। हम लोग सब मिलकर के शराबबंदी का प्रस्ताव बिहार में लिया था, तो हम उसको खराब कैसे कहेंगे। लेकिन उसके क्रियान्विति में, एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी हो रही है। और वो गड़बड़ी हो रही है कि गरीब तबके के लोग अगर पाव भर भी कहीं सेवन कर लिया तो ब्रेथ हेमराइजर लगाया जाता है, जेल भेजा जाता है। और दूसरे तरफ जो हजारों हजार लीटर, लाखों लीटर का तस्करी कर रहा है, हाजी मस्तानी कर रहा है, उसको छोड़ा जा रहा है। और दूसरी बात कि हम सभी सपोर्ट पेश, रात में जब हम शराब पीते हैं तो हमको नहीं पकड़ा जाता है। बात साफ ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दुरंगनी नीति है। इसीलिए नीतीश कुमार जी को कई एक बार कहा और धन्यवाद देते हैं कि वो तीसरी समीक्षा भी किए थे। हम अब कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी रियलिस्टिक आदमी हैं, वो चौथी समीक्षा करें और देखें कि इसमें गरीब लोग कितने प्रताड़ित हैं। 4 लाख 5 लाख के आसपास हमारे गरीब तबके के लोग ही विभिन्न प्रकार के केस मुकदमा में इंप्रेस्ड हैं, जेल में हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या संशोधन होना चाहिए इसमें सर? हम तो अरे भैया, हम तो आपसे कहा कि तीसरी समीक्षा उन्होंने की थी, अगेन समीक्षा करने की जरूरत है। राहुल गांधी बयान पर किस तरफ देख रहे हैं? राहुल गांधी तो देशद्रोही काम कर रहे हैं। हम घर के भेदिया लंका डाही की बात यहाँ पर आती है, तो हमारे घर में बहुत तरह की बातें हो सकती है, अच्छी बातों को कहना चाहिए जा करके। अगर कहीं कोई गड़बड़ बात है, जब की गड़बड़ी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ जो भी चल रहा है बहुत ठीक चल रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से हम संसार का तीसरी शक्ति बन रहे हैं, 2047 में हम प्रथम शक्ति बनेंगे और विश्व नेता के रूप में उभर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के यह में विश्व शांति दूत के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। ये सब बात की चर्चा उनको करना चाहिए तो वो करते हैं दूसरी तरह की बात। हम मेरा कहने का मतलब है कि देश के खिलाफ बाहर जा कर के कहना बहुत अनर्थ है, देशद्रोही कार्यक्रम है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ममता देवी को अगर थोड़ा सा भी सेंस होता, डेमोक्रेटिक सेंस, तो आज से 2 महीना पहले वो रिजाइन कर दी होती। महिला है और उसके राज में महिलाओं के साथ इस प्रकार का कार्रवाई हुई है और वो नखरा कर रही हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का मुद्दा होता है और इस परिस्थिति में वो संभाल नहीं सकी और अब दूसरे प्रकार की नाटक कर रही है बचने के लिए। कहने का मतलब सत्ता का लोलुप है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए।